सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा। 1020 करोड़ रुपए की 143 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे सीएम योगी। आज बीजेपी के 4 नए एमएलसी लेंगे शपथ। जितन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह और गोपाल अंजान को दिलाई जाएगी शपथ। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में आज बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन। सीएम योगी होंगे शामिल। पाल और बघेल जातियों को अपने साथ जोड़ने की बीजेपी की कोशिश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। महामारी एक्ट में दर्ज 3 लाख मुकदमे वापस लिए। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किए थे मुकदमे। सीएम योगी का बड़ा बयान। सभी की आस्था का सम्मान, लेकिन कानून से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। अयोध्या में योगी सरकार के 5वें दीपोत्सव की तैयारी की कवायद शुरू। नगर निगम लगवा रहा 5 दिवसीय दीपोत्सव बाजार। अयोध्या में 1 नवंबर की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। दीप प्रज्वलन में लगाए जाएंगे 12,000 वॉलंटियर्स। अयोध्या में 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे 5वें दीपोत्सव की जमीनी तैयारी शुरू हुई। साकेत डिग्री कॉलेज में 11 झांकियां हो रही है तैयार। झांकियों से होगा रामकथा का प्रेजेंटेशन। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सौगात। बोनस और बढ़े डीए का मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ते की मंजूरी का प्रस्ताव भी हो रहा है तैयार। योगी सरकार ने पुलिस विभाग के बजट में की दुगनी बढ़ोतरी। पुलिस के निर्माण कार्यों का बजट भी 4 गुना से ज्यादा बढ़ा। गृह विभाग ने हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया। आज मऊ में हो सकता है सभा। सुबह सुबह के गठबंधन का औपचारिक ऐलान। सुबह सुबह के 19वें स्थापना दिवस पर एक साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश और राजभर। भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले बीजेपी के खिलाफ फूकेंगे बिगुल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर जाएंगे। कल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महापंचायत में शामिल होंगे अखिलेश। 28 अक्टूबर को अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में पूर्वांचल की चुनावी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटेंगे। चुनावी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने जारी किया डिजिटल पोस्टर। डिजिटल पोस्टर पर पीएल और सीएम की तस्वीर। बारिश से खराब नहीं होते डिजिटल पोस्टर। मिर्जापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में हुए शामिल। मां विंध्यवासिनी के दर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रियंका के नेतृत्व में सरकार बनाने का किया दावा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची शाहजहांपुर। शिवपाल यादव ने फिर दोहराई गठबंधन की बात। कहा गठबंधन के लिए अखिलेश के इशारे का इंतजार कर रहे। जालौन में बीजेपी पर निशाना साधने के दौरान सपा नेता इकबाल कादरी की फिसले जुबान। अपनी ही पार्टी पर हमलावर हुए नेताजी। कहा सपा का काम ही है आरोप लगाना। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को यूपी के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रचार वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के काफिले के निकलने के दौरान लगे सीएम योगी के नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ समर्थकों ने लगाए नारे। कानपुर में महंगाई के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गाड़ी को धक्का लगाकर किया विरोध। यूपी के युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान। यूपी में विपक्षी दलों के किसी भी गठबंधन को महागठबंधन बताकर सफलता नहीं मिलने का दावा किया। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने एसपी और एसपीएसपी के गठबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हिंदुओं को बांटने की साजिश। विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगाया। कुशीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटे गए स्मार्टफोन। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा स्मार्टफोन से सूचना का आदान प्रदान होगा सुलभ। देवरिया में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष ए के शर्मा और विधायक सुरेश तिवारी कार्यक्रम में हुए शामिल। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 43 जोड़ों की हुई शादी। कार्यक्रम में कई नेता और अधिकारी हुए शामिल। प्रयागराज में साधु संतों ने किया गंगा पूजन। अखाड़ा परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी रहे मौजूद। प्रयागराज में होने वाले 2025 कुंभ के लिए प्रार्थना की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विधवा ने अपने पति और बेटी की स्मृति में 11,02,000 रुपए किए दान। 5,51,000 रुपए के 2 चेक राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 8 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई।
लखीमपुर हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला, विचित्र सिंह और गुरविंदर सिंह गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर एसआईटी की कार्रवाई। बसपा सांसद अतुल राय की बड़ी मुश्किलें, वाराणसी की गैंगस्टर कोर्ट ने 2 नवंबर को किया तलब, रेप के आरोप में नैनी जेल में बंद हैं अतुल राय। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में पत्नी के नाम पर बन रहा कॉम्प्लेक्स कोर्ट का, पुलिस दूसरी संपत्तियों का भी जुटाया जा रहा ब्यौरा। गोरखपुर में पशु तस्करों की पुलिस चौकी इंचार्ज की गाड़ी को मारी टक्कर, सूचना मिलने के बाद पशु तस्करों को पकड़ रही थी पुलिस, पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर भाग निकल रहे पशु तस्कर। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिजनौर में किसानों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिया धरना, रोकने पर पुलिस के साथ हुई झड़प। नोएडा में होटल वाले ने चाकू से गोद कर की ग्राहक की हत्या, खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में दारोगा की मौजूदगी में बुजुर्ग की हत्या होने का आरोप, मामले में जांच हुई शुरू, 2 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। उन्नाव एनजीटी ने रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17,18,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना, प्रदूषण फैलाने को लेकर की कार्रवाई, नोटिस भेजकर 15 दिन में कंपनी से जवाब मांगा। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछे। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर बन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान और कैश बरामद। जौनपुर में राज्य मंत्री का राकेश टिकैत पर हमला, कहा टिकैत एक किसान नहीं बल्कि डकैत है, किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है अराजकता फैलाने का काम। पीलीभीत में सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के पास जनाधार ही नहीं इसीलिए कर रही है घोषणा। अलीगढ़ में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरा बजरंग दल, रामलीला ग्राउंड में किया प्रदर्शन। अमेठी में अबू आसिम ने शिवपाल और अखिलेश को लेकर दिया बयान, कहा गलतफहमी दूर कर चाचा भतीजे आए सामने। प्रयागराज पहुंची कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा, कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया यात्रा का स्वागत। ललितपुर में किसानों का आरोप, खाद न मिलने से परेशान एक किसान ने की आत्महत्या, तो वहीं दूसरे किसान की लाइन में लगने से हुई मौत। उन्नाव में विद्युत विभाग की लापरवाही से गरीब का जला आशियाना, डाल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मथुरा में 4 मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़े, 6 लोग घायल हो गए, 2 की हालत नाजुक, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। यूपी में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, प्रदेश में डेंगू के 18,000 से अधिक मामले आए सामने। बहराइच में आत्महत्या से पहले शख्स ने वीडियो किया वायरल, लाइव वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी और सास को ठहराया मौत का जिम्मेदार। उन्नाव में रामलीला के मंच पर हुई अश्लीलता, रामलीला कार्यक्रम में जमकर फिसली, फिल्मी गानों पर अश्लील डांस हुए, लुत्फ उठाते दिखे नगर पंचायत चेयरमैन। गंगा बैराज बांध से छोड़े गए 50,000 क्यूसेक पानी से उन्नाव में बाढ़, सैलाब से सैकड़ों गांव हुए जलमग्न, ग्रामीणों ने घर बार छोड़कर स्कूलों में ली शरण, हजारों बीघा फसल बर्बाद। अलीगढ़ में लोगों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन, पेयजल और जलभराव की समस्या से परेशान है लोग, अधिकारियों ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नोडल अधिकारी ने किया दौरा, कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ग्रामीणों को बांटे लंच पैकेट। सहारनपुर में डेंगू का प्रकोप जारी, जिला अस्पताल में सभी बेड हुए फुल, मरीजों की संख्या पहुंची 210। वाराणसी में दिवाली के मौके पर एक दुकानदार ने निकाला अनोखा ऑफर, एक स्मार्टफोन खरीदने पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री, दुकानदार के अनोखे ऑफर की हो रही चर्चा। रायबरेली में बिजली विभाग का गजब कारनामा आया सामने, पान की दुकान का बिजली बिल आया 16,18,000 रुपए, अधिकारी नहीं सुन रहे बेबस पान वाले की शिकायत। गौतमबुद्ध नगर में आजादी के अमृत महोत्सव में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन, गरीबों को न्याय देने के लिए लोगों के पास पहुंचेगा न्यायालय। उत्तराखंड में मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान चलाएगी कांग्रेस, प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है लक्ष्य, 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा अभियान। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने सीएम धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, हक हकधारियों से लिए गए हैं उनके सुझाव और आपत्तियां, अगले महीने तक सीएम को फाइनल रिपोर्ट देने की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में चल रहे निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण, विद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश।
बागेश्वर में सुंदरडूंगा ट्रैक से लापता सैलानियों के लिए एसटीआरएफ ने चलाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 शव अब तक बरामद, एक की अब भी तलाश जारी, सभी बंगाल के रहने वाले। हल्द्वानी में आपदा बचाव कार्य को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने की बैठक, अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेताओं की तैयारियां तेज, कांग्रेस ने भी चुनावी जंग को जीतने के लिए अलग अलग राज्यों के तजुर्बेकार नेताओं की टीम तैयार की। उत्तराखंड कांग्रेस ने बागियों की वापसी के मुद्दे पर घमासान छिड़ी, यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अभी अन्य बागियों की वापसी की संभावना। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोंदियाल ने जी मीडिया की टीम से की बात, आगामी चुनाव को लेकर हो कांग्रेस की बैठकों का जिक्र। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब राजनीति को चमकाने की कोशिश लगातार जारी, कांग्रेस 28 अक्टूबर से प्रदेश में आपदा को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उधम सिंह नगर में मंत्री अरविंद पांडे ने बांटे सहायता राशि के चेक, बाजपुर में राम भवन, धर्मशाला में आपदा पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री। चमोली में फिर से मौसम ने बदली करवट, बद्रीनाथ में बारिश के साथ हुई बर्फबारी, आलाप का सहारा लेते दिखे श्रद्धालु। रामनगर में किसानों के लिए कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांगा राहत पैकेज, बारिश से किसानों को हुई भारी नुकसान। उत्तरकाशी में पार्किंग नहीं मिलने से तीर्थयात्री परेशान, प्रशासन के पास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, टूर ऑपरेटर हो रहे परेशान। केदारनाथ धाम में कम कपड़े पहने एक महिला श्रद्धालु को तीर्थ पुरोहितों ने लगाई फटकार, महिला श्रद्धालु को अच्छे कपड़े पहनने की दी नसीहत, वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा वायरल। पिथौरागढ़ में किया जाएगा शारदोत्सव मेले का आयोजन, 5000 शंख एक साथ बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, रंगारंग कार्यक्रम और स्टार नाइट्स का भी होगा आयोजन। उत्तरकाशी में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन के साथ महिला को किया गिरफ्तार, मामले में शुरू की कार्रवाई। त्योहारों पर दिल्ली में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सदर बाजार इलाके में दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल। देश में पिछले 24 घंटे कोरोना के 12,428 नए मामले, 356 लोगों की गई जान, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,63,816। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,090 नए केस, कोरोना से 15 लोगों की गई जान। अब 3 नवंबर को होगा कोवैक्सीनेशन को मंजूरी देने पर फैसला, WHO ने कोवैक्सीन पर मांगा और स्पष्टीकरण। चीन के कई राज्यों में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, लांझोउ शहर में लगाया गया लॉकडाउन, 40 लाख लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। चीन के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, लांझोउ शहर में लगा लॉकडाउन, 40 लोग घरों में कैद। ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई, दोपहर 2:30 बजे के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। आर्यन को आज भी बेल नहीं मिली तो 15 नवंबर तक जेल में रहेंगे, बीते 19 दिनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। समीर वानखेड़े से एनसीबी की टीम करेगी पूछताछ, दिल्ली से एनसीबी के 5 सदस्यों की टीम आज मुंबई जाएगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम और समीर वानखेड़े प्रभाकर दोनों से आज करेगी पूछताछ, दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं समीर वानखेड़े। 2 निजी और 2 सरकारी सेक्टर के बैंकों ने मंगलवार को फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया, इसमें एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक सबसे ज्यादा फायदा सितंबर तिमाही में कमाए। एक्सिस बैंक ने ऐतिहासिक फायदा कमाया, एक्सिस बैंक को 3,133 करोड़ रुपए का फायदा, कैनरा बैंक का फायदा 2 गुना बढ़ा। अलीबाबा के मार्केट कैप में 334 अरब डॉलर की गिरावट, चीन सरकार ने दुश्मनी लेने का असर, एक साल में बदल जाएगी जैकमा की कहानी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 31% तक बढ़ोतरी, 1 जुलाई से होगा प्रभावी। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की तलाश में जुटी सरकार, अगले महीने खत्म हो रहा सुब्रमण्यम का कार्यकाल। पाकिस्तान ने लिया न्यूजीलैंड से बदला लगातार, दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के करीब पहुंचा पाक। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, 135 रनों के टारगेट को पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पहुंची वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड के बांग्लादेश के बीच मुकाबला, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इंग्लैंड का सामना करने उतरेगा बांग्लादेश। राहुल द्रविड़ फिर होंगे टीम इंडिया के कोच, न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान मिलेगी जिम्मेदारी, BCCI अधिकारी ने किया कन्फर्म। तालिबानियों के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं का जारी है प्रदर्शन, राइट टू एजुकेशन और काम की मांग करते हुए किया प्रदर्शन।
अफगानिस्तान पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ व्यापारियों का हंगामा, बॉर्डर खोलने की कर रहे हैं मांग। रुबीना दिलैक ने रोमांटिक गाने पर बिखेरा जलवा, फैंस को पसंद आ रुबीना की दिलकश अदा। उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में उर्वशी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही जलवा। दिव्यांका विवेक ने धैया के साथ किया रोमांटिक डांस, दिव्यांका विवेक की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल। देबिना बनर्जी का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में देबिना डॉगी पर प्यार लुटाते हुए आ रही है नजर।